दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी क्रेजी एंड कूल इन्वेंशंस के बारे में जो कि एकदम यूनिक और नई स्टाइल की रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12, कार फोन होल्डर नंबर 0। कार के अंदर अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन होल्डर को तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ज्यादातर मोबाइल फोन होल्डर जो होते हैं उन्हें आपको कार के एसी वेंट्स में इंस्टॉल करना पड़ता है, जिन्हें कि वहाँ पर सेटअप करने से एयर ब्लॉक तो होती ही है और आपके मोबाइल फोन को गिरने का खतरा भी बना रहता है। और बहुत से लोगों के मोबाइल फोन माउंट ढीले हो जाते हैं, ऐसे में अगर हल्का फुल्का झटका लग जाता है तो फौरन आपका फोन गिर जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस गैजेट को, जो कि एक ऐसा मास्टरपीस रहता है जो कि काफी बेहतरीन से लुक के साथ आएगा। दोस्तों ये एक तरीके का मैग्नेटिक फोन होल्डर होता है जिसे कि बहुत ही इजीली आप अपने मोबाइल फोन के बैक पर सेटअप कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपने फोन को इसके पास लाते हैं तो फौरन उसे मैग्नेटिक वे में ये अटैच कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके फोन को बहुत अच्छे से होल्ड करता है, जिससे कि अगर रास्ते में झटके लगते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही अपने मोबाइल फोन को 360 डिग्री पर रोटेट भी करा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और एक कमाल की बात तो ये रहती है कि अगर आपके पास आईफोन 12 के ऊपर की सीरीज के मोबाइल फोन हैं तो ऐसे में आपको किसी मैग्नेटिक अटैचमेंट की जरूरत नहीं होगी, ये इजीली ही आसानी से आपके मोबाइल फोन के मैग्नेट को ही अटैच कर लेता है। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन को बहुत ही आसानी से अपनी कार में सेटअप करा सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपने अपना फोन इस पर नहीं लगा रखा है तो ये आपके लिए छोटे से शोपीस की तरह भी काम करेगा, जहां पर बीचों बीच आपको एक ऐसा छोटा सा एनिमेशन प्ले होता हुआ दिखाई देगा जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 11, नैनो लीफ लाइंस। दोस्तों अगर आप इस दिवाली कुछ ऐसी लाइटिंग करना चाहते हैं अपने रूम में जिससे कि लोग एक बार आपसे पलटकर जरूर से पूछें कि आखिर आप इसे लाए कहां से हैं, तो इस तरीके के लाइटिंग सिस्टम को आप ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इसकी खास बात ये रहती है कि छोटी छोटी पतली पतली लाइंस होती हैं जो कि आपस में कनेक्टर की मदद से जुड़ी रहती हैं। ऐसी ही काफी सारी लाइंस को आप अटैच करके एक अच्छी सी डिजाइन बना सकते हैं या फिर कोई थीम मेंटेन कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें। और मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के बाद आप इसे अपने पसंदीदा कलर्स में जला सकते हैं। ये एक तरीके की आरजीबी लाइट्स होती हैं जिनके कलर्स को तो आप कस्टमाइज कर ही पाएंगे, साथ ही इन्हें अलग अलग मोड्स में प्ले भी कर सकते हैं। तो काफी सारे ये ऑप्शंस अवेलेबल कराती हैं ये लाइटिंग्स, जो कि काफी अच्छी भी लगती हैं देखने में। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने कमरे को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देना तो इस तरीके की लाइटिंग काफी बेहतरीन रहेंगी आपके रूम के लिए। नंबर 10, सैमसंग जेट स्टिक वैक्यूम। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिन्हें कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइन से पावर सप्लाई देनी पड़ती है, जिससे कि आप उन्हें एक लिमिटेड रेडियस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से सैमसंग की तरफ से आने वाले वैक्यूम क्लीनर को, जो कि साइज में तो छोटा होता ही है और साथ ही बैटरी पावर्ड रहता है, जहां पर आपको 60 मिनट का रनिंग टाइम देखने को मिल जाएगा और इसमें ढेर सारे अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं जिनसे कि आप साफ सफाई का काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर के फर्नीचर साफ करने हो या फिर आपको फर्श साफ करनी हो तो बड़ी आसानी से इससे कर सकते हैं। साइज भी छोटा होने की वजह से इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहता है, और बैटरी पावर्ड होने की वजह से आप जहां चाहें वहां पर ले जाकर इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो काफी डिफरेंट सा वैक्यूम क्लीनर होता है, जो कि नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से काफी अलग सा होता है, जिसका इस्तेमाल घर की साफ सफाई के लिए किया जा सकेगा। नंबर 9, हाइपर जूस चार्जर। दोस्तों हम लोग अपनी डेली लाइफ में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या फिर इसी तरीके के बहुत सारे गैजेट्स, तो उन्हें कहीं ना कहीं पावर देने के लिए आपके पास एक पावर सोर्स होना चाहिए जिससे कि आप उन्हें चार्ज कर सके। हालांकि दोस्तों इनकी बैटरीज कितनी चलती है ये बात तो आप सबको पता है, यानी कि आपके पास एक पावर बैंक का होना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन बात अगर मोबाइल फोन तक की हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बात लैपटॉप की आती है तो ऐसे में आपको हाई आउटपुट वोल्टेज की पावर डिलीवरी चाहिए होती है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 245 वाट का ये पावरफुल चार्जर, जो कि एक साथ ही लगभग 4 मैकबुक को एक साथ चार्ज कर सकता है, जो कि अपने आप में कमाल की बात है। इसे अगर आप चाहें तो अपने आईफोन को लगभग 9 बार तक चार्ज कर सकते हैं और ये आपकी मैकबुक लगभग 2 बार फुली चार्ज कर सकेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका अच्छा खासा पावर स्टोरेज रहता है, जो कि आपके मोबाइल फोन या फिर आपके कंप्यूटर्स को हाई पावर डिलीवरी देता है। इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले भी लगी रहती है जिससे कि आपको आउटपुट वोल्टेज और बैटरी परसेंटेज दोनों ही शो होंगे। और एक कमाल की बात तो ये रहेगी कि इतनी पावरफुल बैटरी होने के बावजूद भी इस पूरी पावर बैंक को लगभग आप 1 घंटों के अंदर ही फुली चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि ये एक बार फिर से तैयार हो जाती है आपकी डिवाइस को सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरीके की पावर बैंक काफी बेहतर रहेगी लैपटॉप और मोबाइल फोन यूजर्स के लिए, जिनसे कि उनको एक लंबा पावर सपोर्ट मिलता रहेगा। नंबर 8, SDS प्रो ड्रिल।
दोस्तों जब हमें दीवार में छेद करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिल मशीन का। लेकिन ड्रिल मशीन की अगर बात करें तो जो उसकी बिट्स होती है वो साइज में थोड़ी सी मोटी होती है, और अगर आपको बहुत पतला छेद करना है तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगी उससे छेद करने में। साथ ही जो बड़ी ड्रिल मशीन की पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी दीवार जैसी चीजों में तो छेद करने के लिए वो काफी बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपको बहुत छोटा सा छेद किसी नाजुक चीज में करना है तो ऐसे में बड़ी वाली ड्रिल मशीन आपके किसी काम नहीं आएगी। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी पेंसिल ड्रिल मशीन को, जो कि साइज में लगभग देखा जाए तो एक मार्कर के बराबर होती है। इसमें आपको छोटी छोटी बिट्स का सेट देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए साइज में काफी छोटी रहती हैं, जिनका इस्तेमाल आप छोटी छोटी चीजों में ड्रिल करने के लिए कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी होती है कि आप कांच तक में चाहे तो इससे ड्रिल कर सकते हैं, जो कि काफी आसान बना देगी आपके इस काम को। इस छोटी सी ड्रिल मशीन में एक छोटी सी डिस्प्ले भी लगी होती है, जो कि आपका करंट टाइम में ड्रिल का स्टेटस दिखाती है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों पर्सनल यूज में इस्तेमाल होने के लिए इस तरीके की छोटी सी पेंसिल ड्रिल काफी पसंद आएगी आपको। नंबर 7, वॉजर एच। दोस्तों अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको हमेशा तलाश रहती होगी एक ऐसे हेडफोन की जो कि साउंड को एक नेक्स्ट लेवल पर आपको फील करा सके, जिसके लिए आप काफी सारे पैसे भी खर्च करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपका एवरेज लेवल का रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने नॉर्मल हेडफोन्स के साथ ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि म्यूजिक को एकदम अंदर तक फील कराने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि जैकेट की तरह आपको पहनना होता है, और ये आपकी पूरी बॉडी में हैप्टिक फीडबैक्स देता है, जिससे कि धमक को आप अपनी बॉडी पर फील कर सकते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं और ऐसे में आप फायरिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके आप हैप्टिक फीडबैक को अपनी बॉडी पर फील कर पाएंगे, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल का एहसास होता है। तो इस तरीके से म्यूजिक को अंदर तक फील किया जा सकता है, और साथ ही गेमर्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 6, फिनटेक। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो बहुत सारे शोरूम्स और ऑफिसर्स वगैरह में कुछ इस तरीके की एलईडी बोर्ड्स लगे होते हैं, जहां पर आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो अगर आप एक ऐसा ही छोटा सा बोर्ड अपने घर पर या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिससे कि आप चीजों की ट्रैकिंग कर सकें या फिर जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता सकें अपने ऑफिस में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा एलईडी डिस्प्ले बोर्ड होता है जो कि आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट रहेगा, जिसमें कि आप मल्टीपल चीजों को एक साथ कनेक्ट कराकर उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। फिर वो चाहे डेट हो, टाइम हो या फिर वेदर हो, सारी चीजें लाइव अपडेट होती रहेंगी आपके मोबाइल फोन की मदद से और इसमें शो होती रहेंगी। वहीं इसके ऐप से अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक्स वगैरह को भी सिलेक्ट करके उनकी भी ट्रैकिंग लगा सकते हैं, जिससे कि रियल टाइम में आपको उनके प्राइजेस वगैरह भी शो होंगे। तो इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का होता है, जो कि जरूरी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए तो इस्तेमाल करा ही जा सकता है, साथ ही इससे ट्रैकिंग करना भी बेहद आसान हो जाता है चीजों की। नंबर 5, एल्गाटो स्ट्रीमिंग डेक। दोस्तों अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आपने ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग जब लाइव करते हैं तो वीडियो के अंदर ही आपको बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे नाम आने जैसा हो या फिर स्लाइड चेंज होने जैसा, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो दोस्तों इसके पीछे दरअसल रहती है कुछ इस तरीके की डिवाइस, जिसकी मदद से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक इजिली स्विच किया जा सकता है और बहुत सारे इफेक्ट्स को अप्लाई किया जा सकता है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही। साथ ही दोस्तों इस डिवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से, जहां पर आपको छोटी छोटी बटन्स देखने को मिल जाएंगी, जिनमें कि आप अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी इफेक्ट चाहते हैं वो आपको बटन दबाते ही देखने को मिल जाएगा आपकी स्ट्रीम के अंदर। तो ये चीज कहीं ना कहीं खास बनाती है और एक प्रोफेशनल वे देती है लाइव स्ट्रीमिंग को। तो अगर आप भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं या फिर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस डिवाइस को ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 4, लाइट बॉम्ब। दोस्तों बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन बात अगर मेंटल एक्सरसाइज की हो तो आप इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि आपको फोकस करने में और कहीं ना कहीं आपकी सोच को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मददगार साबित होगा। ये एक तरीके की ऐसी ट्यूब होती है जिसमें अंदर एलईडी लाइट्स लगी होती हैं, और इसके दोनों छोर पर एक छोटा सा रिमोट कंट्रोलर रहता है, जिससे कि आप इन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे आप अपने अपोनेंट के साथ बैठकर अलग अलग तरीके के गेम्स खेल सकते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ऑपरेट होते हैं, और आपको फटाफट सोचना होता है और रिएक्ट करना होता है, जिससे कि आप अपने दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये चीज कहीं ना कहीं मजेदार तो रहती ही है, जिसमें कि आपका अच्छा खासा टाइम पास भी होगा और इसके साथ आप अच्छी खासी मस्ती भी कर पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट आपको तो पसंद आएगा ही, साथ ही दोस्तों बच्चों को भी ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो ये प्यारी सी लाइटिंग तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 3, पेट किट प्योरामैक्स कैट लिटर बॉक्स।
दोस्तों अगर आप पेट लवर हैं और आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कैट है तो आपको कहीं ना कहीं उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए जनरली हो सकता है आप लेटर बॉक्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हो, जिसमें कि जो उनका वेस्टेज वगैरह होता है उसे कलेक्ट करके आप बाहर फेंकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा सा एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके के लेटर बॉक्स को ट्राई करके देखेगा। इसे खासतौर पर कैट्स के लिए बनाया गया है और जब भी वो इसमें जाती है तो जो भी वेस्टेज वगैरह होता है ये खुद ब खुद उसे कलेक्ट करके एक बैग में पैक कर देता है, जिसे कि आप जब चाहें इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक दिन में कई बार इसे इस्तेमाल किया जाएगा और ये हर बार सारी डिस्पोजल को जो है एक बैग में बंद कर देगा और आप जब चाहें इसे दिन में एक बार क्लीन कर सकते हैं। तो ये चीज बड़ी ही कमाल की रहती है जो कि खास तौर पर कैट्स के लिए बनाई गई है। नंबर सेकंड, प्रीडेटर 4K LED गेमिंग प्रोजेक्टर। दोस्तों आपने गेमिंग मॉनिटर्स तो काफी सारे देखे होंगे, लेकिन बात अगर हम गेमिंग प्रोजेक्टर की करें तो हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो। लेकिन दोस्तों प्रीडेटर आपको देता है एक ऐसा बेहतरीन गेमिंग प्रोजेक्टर जिसका इस्तेमाल आप हाई क्वालिटी गेमिंग के लिए कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि यहाँ पर आपको एक फुल स्क्रीन साइज देखने को मिलता है, जिससे कि गेमिंग करना बेहद आसान हो जाएगा और आप इसे मल्टीपल फ्रेम रेट पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग देखने को मिलेगी। साइज वाइज देखा जाए तो ये बेहद छोटा रहता है और एक छोटे से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा। इसे अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर से भी कनेक्ट कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, M1 मेटल इंग्रेवर। दोस्तों आजकल लोग चीजों को कस्टमाइज करके इस्तेमाल करना काफी पसंद करते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह ये होती है कि अगर आपके नाम के कुछ यूनिक लेटर्स उस पर लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल करने का मजा ही कुछ थोड़ा सा अलग होता है। तो इसके लिए अगर आप कराना चाहते हैं लेजर इंग्रेविंग अपनी किसी पसंदीदा चीज पर, तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि इसका इस्तेमाल आप अपने घर पर भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर दोनों से ही ऑपरेट किया जा सकता है और ये साइज में बेहद छोटा रहता है, जिससे कि किसी भी मेटल पर इसका इस्तेमाल बड़ा ही आसानी से किया जा सकेगा। तो इस तरीके से होता है ये एक छोटा सा मिनी लेजर इंग्रेवर, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको भी लेजर इंग्रेव करी हुई चीजें पसंद आती हैं या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वहीं दोस्तों वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।